ओके सो अस्सलाम वालेकुम. वेल इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल विल बी टॉकिंग अबाउट द हाइपोथैलेमस. हमने थैलेमस देखा एंड वी टॉक्ट के उसके ही एंट्रो इन्फीरियर प्रेजेंट होता है एक और ग्रे मैटर का मास जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस. नाउ हाइपोथैलेमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज कम्पेयर टू इट्स वेट और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द CNS, इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत वास्ट हैं. आई मीन इट्स लाइक कंट्रोलिंग वर्चुअली ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. लाइक इट्स इन्वॉल्व इन होमियोस्टेसिस और ये कंट्रोल करता है होमियोस्टेसिस को बाय द वे ऑफ इट्स एंडोक्राइन फंक्शन एज वेल एज इट्स कंट्रोल ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके और हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके हमारी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है. सो इट्स हैविंग सो मेनी फंक्शंस जो कि हम बाद में देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके. सो इसका एक्सटेंड देखा जाए तो इट इज़ बेसिकली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑप्टिक कियास्मा अबव और आई शुड से एंटीरियरली टू दी मेमोरी बॉडीज पोस्टर. नंबर टाइम मेमोरी बॉडीज ये बेसिकली पोस्ट टू इन्फ्यूट होता है हाइपोथैलेमस. एक ग्रे मैटर का मैस होता है जो कि बेसिकली मेमोथैलेमिक ट्रैक बनाकर मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी फॉर्मेशन में, रीसेंट मेमोरी की फॉर्मेशन में. सो ये मेमोरी बॉडीज बेसिकली पोस्टीरियर एक्सटेंट डिटरमिन करती हैं हाइपोथैलेमस का. हेयर और ऑप्टिक कियास्मा जो कि बेसिकली बना था बाय द डिकोसेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स हेयर, दिस बोथ आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द हाइपोथैलेमस. देन वी से कि इसके एंटीरियरली हमें नजर आता है एक लेमिना टर्मिनालिस विच वॉज द यू कैन से शीट ऑफ ग्रे मैटर जो सेपरेट कर रही थी हमारे रोस्टम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम को फ्रॉम द पोस्टीरियर लाइंग स्ट्रक्चर्स. और इसी के अंदर हमें एक नज़र आया था एंटीरियर कमिशर हेयर. सो ऑप्टिक कियास्मा और कॉर्पस कैलोसम के दरमियान में प्रेजेंट था हमारा लेमिना टर्मिनालिस जिसके अंदर रन कर रहा था हमारा एंटीरियर कमिशर जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हुए हमने पीछे अपने एक और वीडियो में देखा है. सो एंटीरियर टू द लेमिना टर्मिनालिस एक पोर्शन होता है एक मैटर ग्रे मैटर का एक कंडेंसेशन से पड़ी होती है जिसमें बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड सिंस इट्स फंक्शंस आर रिलेटेड टू दोज ऑफ द हाइपोथैलेमस हम इसको भी हाइपोथैलेमस का एक पार्ट ही कंसिडर करते हैं इस प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को जो कि लाइंग विच इज लाइंग एंटीरियर टू द लेमिना टर्मिनालिस हेयर. सो बेसिकली लेमिना टर्मिनालिस वाज सेपरेटिंग द कॉर्पस कैलोसम का रोस्टम फ्रॉम द ऑप्टिक कियास्मा हेयर. अच्छा इसके अलावा बात की जाती है कि इन्फीरियर टू द हाइपोथैलेमस हमें कौन कौन स्ट्रक्चर नजर आएंगे. हमने कहा था कि बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है ये एंट्रो इन्फीरियर टू द थैलेमस लाई कर रहा था एंड द हाइपोथैलेमस सॉरी द थैलेमस वाज रिलेटेड टू द थर्ड वेंट्रिकल. सो इन द सेम वे हाइपोथैलेमस इज आल्सो इन रिलेशन टू द थर्ड वेंट्रिकल. और अगर प्रिसाइसली बोलूँ तो बेसिकली इट इज़ फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. इससे हमें ऊपर हमें थर्ड वेंट्रिकल नज़र आता है बिकॉज बेसिकली इसके एंड सुपीरियरली हमें यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आता है थैलेमस जिसकी बेसिकली एक स्लिट लाइक उसमें एक कैविटी है हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं तो उसी का फ्लोर बना रहा है हाइपोथैलेमस. सो अगर कोई पूछे कि इन रिलेशन टू थर्ड वेंट्रिकल हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है तो इट इज़ फॉर्मिंग द फ्लोर एंड द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लेटरल वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. एंड इसके नीचे में क्या नज़र आता है बेसिकली इसके इन्फीरियरली विल बी फाइंडिंग द ऑप्टिक कियास्मा हेयर द ट्यूबर सनेरियम. नाउ व्हाट इज ट्यूबर सनेरियम ये बैंड होता है ग्रे मैटर का जो कनेक्ट कर रहा होता है हाइपोथैलेमस को विद द पिट्यूटरी ग्लैंड हेयर. ये तो इन्फेंडिबुलम में स्टॉक है पिट्यूटरी ग्लैंड को तो उसका अपना कंपोनेंट है लेकिन एक अलग से ग्रे मैटर की यू कैन से एक बैंड होता है जो कि दोनों कनेक्ट कर रहा होता है हाइपोथैलेमस को विद द पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें बोलते हैं दिस यू कैन से ट्यूबर सनेरियम. एंड देन फर्दर मूविंग बैकवर्ड विल बी फाइंडिंग द मेमोरी बॉडी. तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर बना रहे हैं इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस आगे बना पड़ा लेमिना टर्मिनालिस एंड एंटीरियर कमिशर और पोस्टीरियरली विल बी फाइंडिंग द दीज मेमोरी बॉडीज एंड ऑल्सो द टेगमेंटम ऑफ द मिडब्रेन क्योंकि मिडब्रेन बेसिकली हाइपोथैलेमस की इन्फीरियरली पड़ा सो सॉरी पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है यहाँ पे. दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज मिडब्रेन तो इसका जो टेगमेंटम का पोर्शन होता है उसके इसकी इन्फीरियर बाउंड सॉरी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है. सो दिस इज द मिड ब्रेन एंड देन हमें इसी के अंदर थर्ड वेंट्रिकल मिला था जिसका फ्लोर और उसके लेटरल वॉल्स के इन्फीरियर कंपोनेंट्स बना रहा है हाइपोथैलेमस. देन वी से कि जो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लिया है कि हमने हर एक स्ट्रक्चर में न्यूक्लिया ही स्टडी करने होते हैं न्यूक्लिया ही हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसर्न होता है उनसे. तो थैलेमस में भी हमने एक मीडियल और एक लेटरल जोन डिटरमिन किया था एंटीरियर पार्ट डिटरमिन किया था. द सेम वे हाइपोथैलेमस में भी यही सीन है. एक तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें हमें ये ओपनिंग से नज़र आ रही है दिस इज ओपनिंग ऑफ द मेमोथैलेमिक ट्रैक्ट. तो जो बेसिकली मेमोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक फोर्निक्स पोर्शन ये दो ऐसे ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली ट्रांसवर्स कर रहे होते हैं इसके अंदर से गुजरे होते हैं किसमें से हाइपोथैलेमस में. जब हमने स्टडी किया था फोर्निक्स तो हमने देखा था कि वो हिप्पोकैम्पस से हाइपोथैलेमस में आकर एंड हो रहा है. सो इन दिस वे इस हमें हाइपोथैलेमस के अंदर एक एंट्री या फिर एक सेंट्रल जोन मिलता है जहाँ पे हमें नज़र आता है फोर्निक्स एंड सेकंड वाज़ द मेमोथैलेमिक ट्रैक जो कि मेमोरी बॉडीज से आ रहा था टुवर्ड्स द थैलेमस. तो इसी की मेमोरी बॉडीज जो हमें पोस्टीरियर टू द हाइपोथैलेमस नज़र आई थी वहाँ से कुछ फाइबर्स जाते हैं टुवर्ड्स द थैलेमस जो कि इसके ऊपर पड़े होते हैं और ये ट्रैक भी हमें नज़र आता है विद इन द सब्सटेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो हमें कौन कौन चीज़ नज़र आएंगी फोर्निक्स एंड द मेमोथैलेमिक ट्रैक. सो देन वी सी कि इसमें कैसे हमें दो मिल रही हैं लेयर्स. एक है मीडियल जोन
मैंने एक है लिटिल जोन, सो दिस लिटिल जोन के अपने न्यूक्लियाई होंगे, मिडिल जोन के अपने न्यूक्लियाई होंगे, हम दोनों को अलग अलग स्टडी करना है। मिडिल जोन में बेसिकली 8 न्यूक्लियाई होते हैं और लिटिल जोन में 6 न्यूक्लियाई होते हैं। फंक्शन हर न्यूक्लियस का डेफिनेट अलग होता है, बट डेफिनेटली हर एक न्यूक्लियस फंक्शन सम हाउ होमोस्टेसिस में ही हेल्प आउट कर रहा होगा। और आगे इंटीरियर हमें हमेशा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ही मिलते हैं, हमें पीछे भी देखे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई आगे पड़े हुए थे। और फिर हम इसको ना तीन जिसे कहते हैं जोन्स में, रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। कि सुपर ऑप्टिक रीजन जो कि बेसिकली कि ऑप्टिक के आसमान के ऊपर पड़ा होगा, एक होता है ट्यूबलर रीजन जो कि डेफिनेटली ट्यूबर सनेरियम के ऊपर पड़ा होगा, और एक होता है मेमरी रीजन जो डेफिनेटली मेमरी बॉडीज के ऊपर पड़ा होगा, सो मतलब उसके लेवल पर पड़ा होगा। और बस बाकी लेटरल जोन, मिडिल जोन, मिडिल जोन के अपना निकला, लेटरल जोन के अपना निकला है, और इन्हीं को हमने बेसिकली स्टडी करना है। बाकी जो फोर ब्रेन बंडल है ये हम इसके एफ्रेंट और रिफ्रेंट जब कनेक्शंस पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द मीडियल न्यूक्लियाई ऑफ दी हाइपोथैलेमस, हमने कहा कि 8 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि मीडियल हैं, लेकिन स्टिल कुछ जगहों पर यू कैन सी ओवरलैपिंग भी हो रही होती हैं कि वो मीडियल मीडियल कंपार्टमेंट में भी हैं, लिटल कंपार्टमेंट में भी हैं। एक्चुअली होता ये है ना कि कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं न्यूक्लियाई की, हमने तो बस इनको ऐसे ऐसे टेस्ट किया हुआ कि हमें एक बॉडी का फंक्शन वो हम जब देखते हैं ऑन ईईजी इलेक्ट्रोएनसेफलोग्राफी, तो हम एक जो एरिया होता है हाइपोथैलेमस को वो फिर ना एक्टिविटी शो कर रहा होता है, तो वहाँ से डिटरमिन कर लेते हैं दैट दिस न्यूक्लियस इज रेगुलेटिंग दैट एक्टिविटी। लेकिन कोई क्लियर कट बाउंड्रीज हमें जैसे कहते हैं कोई फिजिकल बाउंड्रीज नजर नहीं आती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। बट स्टिल लेट्स सी इसके एंटीरियर फॉर मिडिल जोन के और लिटिल जोन के न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे आगे मिलेगा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। प्री ऑप्टिक के पीछे होता है एंटीरियर न्यूक्लियस और दोनों पर्पल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस। सो दिस इज एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, दिस इज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस एंड दिस इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये तीनों किसके पार्ट हैं? मीडियल जोन के पार्ट हैं। इन एडिशन टू दिस विल यू फाइंड इन द डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस एंड द वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस। ये दोनों भी किसके पार्ट हैं? मीडियल जोन के पार्ट हैं। देन ऊपर हमें नजर आता है पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस राइट हेयर, और नीचे नजर आता है आर्कुएट न्यूक्लियस राइट हेयर, और नीचे हमें यहाँ पे इसके एंट्रोन फील्ड नजर आता है न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज द सुप्रा कैसमेटिकस न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मीडियल जोन, इट्स अ पार्ट ऑफ लिटल जोन। लेकिन जो सुप्रा कैसमेटिकस न्यूक्लियस है, इट इज अ पार्ट ऑफ द मीडियल जोन। बट चूंकि हमें इस पे सारे नजर आ रहे थे, टोल्ड यू कि सारे यू नो इकट्ठे हुए होते हैं, सो तीन न्यूक्लियस ऐसे ओवरलैप करेंगे और दोनों रीजन में नजर आएंगे, लिटल जोन में भी और मिडिल जोन में भी, दैट इज द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। सॉरी, सुप्रा कैसमेटिकस न्यूक्लियस ये वाला, ये हमें दोनों में नजर आएगा। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस हमें दोनों में नजर आएगा, और एक होता है मेमोरी न्यूक्लियस, ये तो मेमोरी बॉडी है ना, एक होता है मेमोरी न्यूक्लियस जो कि यहाँ आसपास पड़ा होता है, वो भी हमें दोनों में नजर आएगा। तीन हमें न्यूक्लियस मिडिल जोन में भी नजर आएंगे और लेटर जोन में भी नजर आएंगे। कौन कौन? सुप्रा कैसमेटिकस न्यूक्लियस हेयर, ये हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस और मेमोरी न्यूक्लियस। अच्छा, अभी हम बात करते हैं बता मिडिल जोन के न्यूक्लियस हमने कौन कौन से देखे। हमने देखा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, हमने देखा एंटीरियर न्यूक्लियस, हमने देखा पोस्टीरियर न्यूक्लियस, हमने देखा डोर्सो मीडियल, डोर्सो वेंट्रल, सॉरी वेंट्रो मीडियल, आर्कुएट न्यूक्लियस और पैराबेंटिकुलर। ये 8 न्यूक्लियस वो हैं जो कि पार्ट हैं किसके? मीडियल जोन के। अब हम लेटरल जोन के न्यूक्लियस देख लेते हैं। डेफिनेटली एक तो, अच्छा इसमें दो तो हो गए, एक तो हो गया हमारे पास सुप्रा कैसमेटिकस न्यूक्लियस जो किसका पार्ट है। हमने कहा कि प्री ऑप्टिक दोनों में होगा, ये भी इसका पार्ट चला गया। हमने कहा कि सुप्रा ऑप्टिक पार्ट है एक्सक्लूसिवली लेटरल जोन का, ठीक है, तो हम उसको लेटरल जोन में रख देंगे। पर सुप्रा कैसमेटिकस क्योंकि दोनों का था तो वो भी उधर चला गया, प्री ऑप्टिक दोनों का था तो ये भी उधर चला गया। इसके अलावा होता है एक लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी पार्ट है लेटरल जोन का। इसके अलावा एक होता है लेटरल ट्यूबरल न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ कहीं होता है इस रीजन में कहीं, तो भी उसका चला गया। एक होता है मेमिलो ट्यूबुलर न्यूक्लियस या ट्यूबरो मेमिलरी न्यूक्लियस जो कि बिटवीन द ट्यूबरस एरिया एंड द मेमिली बॉडी प्रेजेंट होता है समहाउ हेयर, तो भी पार्ट है लेटरल वाले का। अब हम वो रिवाइज कर लेते हैं कि लेटरल जोन में कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमने बात की कि जो मिडिल वाले में, हमने से कुछ लेटरल में भी थे, कौन कौन से? प्री ऑप्टिक और सुप्रा कैसमेटिकस और सुप्रा ऑप्टिक जो कि एक्सक्लूसिवली है किसका? लेटरल जोन का। इसके अलावा लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया या लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हम इसे बोलते हैं, एंड द लेटरल ट्यूबुलर न्यूक्लियस एंड द ट्यूबरो मेमिलरी न्यूक्लियस। तो ये 6 न्यूक्लियस किसके हो गए? लेटरल जोन के। मैं रिवाइज कर देती हूँ। एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करते हैं, पहले मीडियल जोन को देखते हैं। सबसे आगे प्री ऑप्टिक, ठीक है, देन एंटीरियर हाइपोथैलेमिक, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक, डोर्सो मीडियल, वेंट्रो मीडियल, आर्कुएट, पैराबेंटिकुलर, किसके हो गए? मीडियल जोन के। सेकंड, प्री ऑप्टिक, सुप्रा कैसमेटिकस, सुप्रा ऑप्टिक, लेटरल हाइपोथैलेमिक और लेटरल ट्यूबरल और ट्यूबरो मेमिलरी, यहाँ पे ये 6 किसके हो गए? लेटरल जोन के हो गए। अब इन्हीं न्यूक्लियाई के हम इंडिविजुअल फंक्शंस देख लेते हैं। जो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है जो उसका पार्ट था लेटरल जोन का पार्ट था और एंटीरियर लाइक कर रहा था, सुपरा ऑप्टिक से आप ऐसे याद रखो एस फॉर सुपरा ऑप्टिक एंड S2S आते हैं वाजोप्रेसिन में। सो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस रिलीज कर रहा था वाजोप्रेसिन, मतलब रिलीज नहीं करता, बना रहा होता बाद में, देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, फिर वहाँ से रिलीज होना होता है, बट इसका रिलेशन है विद द वाजोप्रेसिन। सेकंड से पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस जो हमें नजर आया था सबसे ऊपर प्रेजेंट था, पैराबेंटिकुलर बेसिकली रिलीज कर रहा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देन इज द प्री ऑप्टिक एंड द
एंटीरियर न्यूक्लियाई वो बेसिकली आगे पड़े हुए थे, है ना, प्री ऑप्टिक और एंटीरियर दोनों इकट्ठे पड़े हुए थे ना, और दोनों रेगुलेट कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। अच्छा, और जो पीछे पड़े हुए थे न्यूक्लियाई कौन कौन से थे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक और लेटरल न्यूक्लियाई, दोनों हमें कहाँ नजर आए थे, पीछे, दोनों इकट्ठे हैं, और प्री ऑप्टिक और एंटीरियर हाइपोथैलेमिक इकट्ठे हैं, तो इस ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं द सिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, फिर हम कहते हैं जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक है उसे हम कहते हैं एंटी राइज सेंटर, क्यों, क्योंकि वो हमारे टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं होने देता, जब भी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस उसको बैलेंस करके कम कर देता है, और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हम कहते हैं एंटी फॉल सेंटर, क्योंकि वो टेम्परेचर को फॉल नहीं होने देता, उसको मॉडरेट अमाउंट में रखते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अच्छा, आप इसको ऐसे नमूनों से याद कर सकते हो कि जो हमारा मोस्टली हमारी बॉडी की जो स्टेट होती है वो पैरासिम्पैथेटिक होती है, सिम्पैथेटिक को हम बचा कर रखते हैं तो उस हम पीछे रखते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को हम आगे रखते हैं, सो एंटीरियर और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई बेसिकली मैनेज होगी पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, ठीक है, जबकि जो हमारा सिम्पैथेटिक कंट्रोल है वो पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग पोस्टीरियर लेटरल में डाल देंगे। सेकंडली ये कि जब हम पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल होता है हमारे पास तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, हमारा टेम्परेचर कम होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में जो कि एंटीरियर न्यूक्लियस रेगुलेट करते तो वहाँ पर हम लोगों ने एंटी राइज सेंटर रखा कि हम टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं होना देना चाहते, जबकि जो सिम्पैथेटिक सेंटर है वहाँ पर तो हम चाहते हैं ना टेम्परेचर ज़्यादा हो, जब सिम्पैथेटिकली एक्टिवेटेड होता है हमारा टेम्परेचर बॉडी को ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा एंटी फॉल सेंटर, हम टेम्परेचर को गिरने देना चाहते हैं, हम टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो जो पोस्टीरियर सेंटर था जो सिम्पैथेटिक कंट्रोल मेंटेन करता वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस एक्ट करेगा एज एन एंटी फॉल सेंटर, ठीक है। फिर जो लेटरल निकले हमने देखे थे वो हमने कहा कि हंगर सेंटर वहाँ पर होता है, लेटरल और लेटरल ट्यूबरल लेटरल हाइपोथैलेमिक निकले, इसका आप ऐसे याद रखो कि जब हम सड़क से जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें अगर कुछ खाना हो तो हमें सड़क के किनारे साइड पे गाड़ी रोकनी पड़ती है, फिर किसी ढाबे जाकर उसे खाना पड़ता है, ठीक है, इन द सेम वे जो लेटरल है जो लेटरल निकले आए हैं वो बेसिकली हंगर सेंटर को रेगुलेट करते हैं, लेकिन अगर हम लोग गाड़ी ना रोकें साइड पर और सीधे चलते रहें, मतलब मीडियली चलते रहें, तो जो मीडियल निकले आए हैं वो मतलब हमारा पेट भरा हुआ है इसलिए हम लोग लेटरली मूव नहीं कर रहे, तो जो मीडियल निकले होते हैं वो बेसिकली होते हैं सेटाइटी सेंटर, मतलब के ऑपोजिट टू द हंगर सेंटर, वो हमारी हंगर की ड्राइव को रोक देते हैं, ठीक है, सो द लेटरल ट्यूबरल एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस रिलेटेड टू द हंगर सेंटर एंड द मीडियल डोर्सल मीडियल या वेंट्रल मीडियल है वो है इन रिलेशन टू द स्टाइटी सेंटर। देन वी हैव द सुप्राकियास्मेटिकस न्यूक्लियस, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, इसका यही काम होता है कि ये सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करता है कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट जो हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेकिन हमें जब अंधेरा होता है नींद आने लग जाती है, ये हमारा सुप्राकियास्मेटिकस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो यही थे इंपॉर्टेंट सारे जो हमने देखे, प्री ऑप्टिक एरिया अलॉन्ग द एंटीरियर न्यूक्लियस ही क्या कर रहा था, हमारे पैरासिम्पैथेटिक को रेगुलेट करता है, साथ ही एज एन एंटी राइज सेंटर एक्ट करता है, लेकिन अलोन अगर बात करें तो जो प्री ऑप्टिक एरिया होता है इन्वॉल्व होता है इन द आई कैन से गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराता है और सेक्सुअल ड्राइव वगैरह को कंट्रोल करता है। देन एंटीरियर हमें पता है क्या करता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द लेटरल न्यूक्लियस, सॉरी हाँ लेटरल न्यूक्लियस है ना, पोस्टीरियर और लेटरल दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, सिम्पैथेटिक कंट्रोल करते थे और एंटी राइज सेंटर एक्ट कर रहे थे, एंटी राइज करते एंटी फॉल करते एंटी फॉल कर रहे थे क्योंकि वो टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे थे, यस, तो बस और वेंट्रो मीडियल और डोर्सल मीडियल हम देखा था जो दरमियान में जो था हम स्टाइटी एक्टर होते हैं फैक्टर स्टाइट टी सेंटर होता है, और जो लेटरल न्यूक्लियस है लेटरल ट्यूबरल हो या लेटरल हाइपोथैलेमिक हो वो दोनों क्या करते हैं एज एन हंगर सेंटर एंड एज वेल एज अ थर्ड सेंटर एक्ट कर रहे थे, और कौन सा रह गया, पैराविंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन रिलीज करा रहा था, सुप्रा ऑप्टिक वासोप्रेसिन रिलीज करा रहा था, रिलीज नहीं करा था इसलिए प्रोड्यूस करा रहा था, रिलीज तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं कराना है, और एक हम बात करते हैं यहाँ पर डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस लॉन्ग विद एक्टिंग एज अ यू कैन से स्टाइटी सेंटर, इट ऑल्सो एक्ट्स एज टू मतलब रेगुलेट दी obesity and savage behavior. So these were all the nuclei of the hypothalamus and these were the functions of various nuclei. I hope ke samajh aa gayi hogi, thodi si understanding ho gayi hogi iski. So thank you so much for listening.